हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हेयर विद यू गाइज आई रियली मिसड यू एंड सम स्टूडेंट्स कमेंट मी दैट की मैं वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए एंड आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोज़ बट Uh, मैं मुझे लगा कि प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहेंगी तो आप लोगों का लॉस नहीं होने चाहिए और इस बार मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं वर्कशीट्स पर वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि uh, तीन या चार वर्कशीट्स में आप चैप्टर को कम्प्लीटली समझ पाएंगे एंड एज यू नो दैट नाइन्थ बेस्ड है हमारा टेंथ क्लास के लिए तो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर तभी होंगे जब आप कंप्लीट चैप्टर को समझेंगे उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे एंड uh, एक बार आपने चैप्टर समझ लिया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई देन आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि वर्कशीट्स को क्रैक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड इवन आफ्टर दैट यू फील सम प्रॉब्लम यू आपको आप, आ, आप लोगों को लगे कि नहीं वर्कशीट्स भी बनानी चाहिए या आप लोगों को ऐसी नीड लगे तो आप मुझे ज़रूर बताएं मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एंड नाउ आई एम विद योर सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन सो आर यू रेडी गाइस? लेट्स गेट स्टार्ट इन आवर प्रीवियस वीडियोज यू हैव कम्प्लीटेड योर फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसमें आपने पढ़ा था कि जब कोई पब्लिक और सिटीजन्स अपने राइट right के लिए फ़ाइट करते हैं तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं और जब पब्लिक रिवॉल्यूशन करती है तो कितना भी डेस्पॉट या निरंकुश राजा क्यों ना हो उसको पब्लिक के सामने झुकना पड़ता है ये सब आपने पढ़ा था फ्रेंच रिवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसकी वजह से आ, आपको बहुत ही पावरफुल आइडियाज़ मिले थे जिसे आप लिगेसी कह सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन की और वो थे आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी फ्रेंच रेवोल्यूशन गिव ए चांस टू द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वोज स्ट्रक्चर्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें एक मौका दिया अपनी सोसाइटी के अंदर ड्रामेटिक चेंज लाने की पॉसिबिलिटीज तलाश करने का एज यू नो दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर बिफोर एटीनथ सेंचुरी की हम बात करें तो जो सोसाइटी थी वो थ्री स्टेट्स के अंदर डिवाइड होती थी फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट और ये जो तीनों ही स्टेट्स होती थी फर्स्ट स्टेट के अंदर चर्चे आते थे सेकंड स्टेट के अंदर एरिस्टोक्रेसी था और थर्ड स्टेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी शिटी वर्कर्स पीजेंस यानी जो पॉपुलेशन बच जाती है वो सब थर्ड स्टेट के अंदर आते थे और सारे सोशल इकोनॉमिक जो पावर थी वो चर्चेस और एरिस्टोक्रेसी ने कंट्रोल करके रखी थी उन्होंने थर्ड स्टेट की लोगों की लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था जिससे जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो परेशान हो गए थे थक गए थे उन्हें लगा कि नहीं अब लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है आपने साइंस में पढ़ा होगा कि स्प्रिंग को आप जितना नीचे से दबाते जाते हैं जितनी लास्टेस्ट उसके अंदर होती है वो दबता चला जाता है और जब आप उसको एक एक्सट्रीम सिचुएशन तक प्रेस करते हैं तो जब आप छोड़ते हैं तो वो डबल स्पीड से ऊपर आता है तो ऐसा ही थर्ड स्टेट के लोग जब तक टॉलरेट हो रहा था हो रहा था हो रहा था वो कर रहे थे बट लेटर ऑन उन्हें लगा कि नहीं अब हमें रिवोल्यूशन करना चाहिए हमें लुई सिक्सटीन को हटाना चाहिए जो ये कंट्रोल कर रखी है पावर चर्चिज ने एरिस्टोक्रेसी ने हमें इसको रिमूव करना चाहिए और रिवोल्यूशन हुआ अपने पढ़ा और रिवोल्यूशन के बाद नाउ द टाइम ऑफ चेंज अब सब कुछ बदलने वाला था सोसाइटी के अंदर सब कुछ चेंज होने वाला था अब जो समय था वो बदलाव का था चेंज लाने का था सोसाइटी के अंदर और ये चेंज केवल यूरोप में ही डिस्कस नहीं हो रहा था बल्कि एशिया भी इससे अछूता नहीं था एशिया में भी वो सारे जो आ, आइडियाज थे वो डिस्कस किए जा रहे थे अब लोगों को डिबेट के लिए एक नया इशू मिल गया था नाउ लोगों के पास एक नए आइडियाज थे और वो नए आइडियाज थे न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर इंडिविजुअल के राइट्स हर व्यक्ति के कुछ इंडिविजुअल राइट्स होते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए और सो, सो, जो सोशल पावर है जो सोसाइटी है उसको कंट्रोल कौन करे ये अब नए इश्यूज़ थे जिसके ऊपर लोगों ने बात करना शुरू किया और इंडिया के अंदर राजा राम मोहन राय हु वॉज़ ए ग्रेट रिफॉर्मर एंड हैनरी लुइस विविन डेरोजियो जो कि एक पोइट uh, थे इन्होंने उस डिबेट को स्टार्ट किया न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर वर बिगेन टू डिस्कस फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड मैनी अदर्स ऑल्सो डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप अब टाइम था सोसाइटी को रिशेप करने का लेकिन जैसा कि आप जानते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर दो या तीन लोगों की जो व्यूज़ होते हैं वो सेम नहीं होते हैं तो ऐसा ही उस समय की सोसाइटीज़ के साथ हो रहा था सोसाइटी के अंदर चेंज होना चाहिए लोग इस टॉपिक को डिबेट कर रहे थे इसको डिस्कस कर रहे थे लेकिन कैसा चेंज क्या होना चाहिए सोसाइटी के अंदर किस प्रकार का चेंज होना चाहिए इसको लेकर के लोग अलग अलग राय रख रह रहे थे यानी डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द सोसाइटीज स्ट्रक्चर सम पीपल सेज सॉरी सम पीपल सेड कि सोसाइटी के अंदर एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड uh, जो सोसाइटी है उसको कंप्लीटली चेंज कर दो बट सम अदर सेड दैट नहीं नहीं ऐसी सोसाइटी को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दें एंड सम अदर सेड दैट चेंजेस तो होने चाहिए बट सडनली कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द नॉट द राइट थिंग उसके अंदर चेंजेज होने चाहिए ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंजेज होने चाहिए ताकि जो लोग हैं जो पब्लिक है वो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर सके सो so, आप समझें कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन और इसी ओपिनियन को इसी डिफ्रें डिफरेंस को हमने लेटर ऑन थ्री आइडियोलॉजी में डिवाइड कर दिया और ये थे लिबरल्स रेडिकल्स एंड कंजरवेटिव स्टूडेंट्स दिस इज़ द फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन लिबरल्स और रेडिकल्स में डिफरेंस बताइए या रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स में डिफ़रेंस बताइए ये बहुत बार क्वेश्चन आता है सो यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली क्योंकि अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक को डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले आता है लिबरल्स जो लिबरल्स थे वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसके अंदर टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स की पावर हो यानी कि हर रिलीजन के लोगों के लिए इक्वली स्पेस हो वो नहीं चाहते थे कि जो पावर है वो कंप्लीटली किंग के पास हो और किंग एब्सल्यूट बन जाए और फ्रेंच रेवोल्यूज रेवोल्यूशन जैसे जो सिचुएशन थी वो दोबारा से क्रिएट हो तो वो चाहते थे किंग होना चाहिए लेकिन उसके पास अनकंट्रोल्ड पावर नहीं होनी चाहिए उसकी पावर को कंट्रोल किया जाना चाहिए और उसकी पावर को कंट्रोल कौन करेगा पार्लियामेंट सो so, वो सपोर्ट करते थे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को लेकिन वहाँ पर भी वो चाहते थे कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव के अंडर नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर जस्टिस सबको मिल सके वो इंडिविजुअल राइट्स को भी सपोर्ट करते थे हाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ को वो सपोर्ट नहीं करते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो यानी कि जब आप 18 इयर्स के हो जाते हैं तो सबको एक राइट टू वोट मिलता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन लैंग्वेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो वो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ था वो नहीं लिबरल्स uh, चाहते थे कि वो सबको मिलें ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे और चाहते थे कि जो राइट टू वोट है वो उन्हीं को मिले जिनके पास प्रॉपर्टी है क्लियर टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन चाहते थे किंग चाहते थे लेकिन कंट्रोल्ड पावर के साथ पावर को कंट्रोल कौन करेगा पार्लियामेंट पार्लियामेंट के इम्पैक्ट के बिना इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए इंडिविजुअल के राइट्स के सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं नाउ ये तो था लिबरल्स नाउ द रेडिकल्स अब रेडिकल्स क्या सोचते थे रेडिकल्स सोचते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको मेजॉरिटी लीड करे यानी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी सबको इक्वल राइट्स मिलें कुछ लोग जो वेल्दी हैं जिनके पास पैसा है या जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं या जो लैंड ऑनर्स हैं उनको कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए प्रिविलेजेस मीन्स स्पेशल राइट्स ठीक है तो उनको कोई भी स्पेशल राइट्स नहीं मिलना चाहिए हाँ ये वुमेन के सफ्रिगेट मूवमेंट यानी कि वुमेन को राइट टू वोट मिले उसको सपोर्ट करते हैं ये जो वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथ में ना रहे इसको ओपोज करते हैं कि जो वेल्थ है जो संपत्ति है उसके ऊपर सबका अधिकार होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों के पास संपत्ति हो और बाकी लोग भूखे मर जाएं हाँ ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं रेडिकल्स मेजॉरिटी बेस्ड गवर्नमेंट चाहते हैं इक्वल राइट्स चाहते हैं लैंड ऑनर्स फैक्ट्री मालिक या जो वेल्दी रिच पीपल हैं उनको कोई स्पेशल राइट्स नहीं मिलना चाहिए वुमन को राइट टू वोट मिलना चाहिए कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति रहे इसको अपोज करते हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं एम आई क्लियर ओके नाउ द कंजरवेटिव कंजरवेटिवस एक ऐसा अलग ही थॉट था जो ना तो लिबरल्स को सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही रेडिकल्स को इनकी जो आइडियोलॉजी है वो किसी से मैच नहीं हो रही है ना वो लिबरल्स से सहमत हो पा रहे हैं और ना ही वो रेडिकल्स से सहमत हो पा रहे हैं ये कहता है कि जो पास्ट है उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए पास्ट का सम्मान करना चाहिए पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उससे हमें सीखना चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके और ये चाहता है कि जो लोग हैं उनके लाइफ में गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होना चाहिए गवर्नमेंट उनको कंट्रोल ना करें ये चेंज के फेवर में हैं ये चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर चेंज होना चाहिए बट ग्रेजुअली होना चाहिए और एटीनथ सेंचुरी और नाइनटीन सेंचुरी के जो चेंजेस हैं उनको ये एक्सेप्ट करते हैं ये चाहते हैं कि लोगों को स्पेस देना चाहिए ताकि वो जो जो सोसाइटी के अंदर चेंजेज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को सेट कर पाएँ तो जो चेंजेज़ है वो एकदम से सडनली और कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए वो धीरे धीरे ग्रेजुअली होने चाहिए ताकि लोग उनको ईजीली अपनी लाइफ में अपना सकें एम आई क्लियर स्टूडेंट्स अब ये तो बात कर ली हमने सोसाइटी की पॉलिटिकल जो फिगर था पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे वो कैसे होने चाहिए सोसाइटी कैसी होनी चाहिए गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए रोल कितना होना चाहिए एटसेट्रा सेक्टर नाउ इट्स टाइम टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो इंडस्ट्रलाइजेशन हो रहा था उसके अंदर सोसाइटी क्या थी और उस जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उसके अंदर क्या क्या चेंजेज हो रहे थे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि ये जो टाइम था ये चेंज का था यहाँ पर लोग जो हैं हर चीज़ के अंदर चेंज चाह रहे थे तो नाउ इट्स अ टाइम टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज ओके सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेज आए इट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस इट वॉज़ अ टाइम वेन न्यू इंडस्ट्रलाइज्ड रीजन्स डिवेलप्ड एंड न्यू सिटीज़ केम अप रेलवे एक्सपेंड हो रहा था और एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आ चुका था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब आप समझते हैं ना यानी कि रोज़ नए नए उद्योग लग रहे थे नए नए फैक्ट्रियों का डालना जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है तो इंडस्ट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का सडनली आ जाना तो इंडस्ट्रलाइजेशन का जैसे ही इंडस्ट्रलाइज़ेशन आया तो नए नए जो एरियाज़ हैं वो डेवलप हो रहे थे नई नई सिटीज़ बन रहे थे रेलवे को एक्सपेंड किया जा रहा था अब जो इंडस्ट्रलाइज़ेशन है वो काम लेकर आता है मैन और वुमेन के लिए लोगों को अब इम्प्लॉय जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो ख़त्म हो गई और लोगों को अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो लोगों के लिए बहुत सारा काम लेकर आया लोग मैन वुमन चिल्ड्रन ये सब इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे लेकिन इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ना इंडस्ट्रियलाइजेशन नेगेटिव पॉइंट्स भी लेकर आता है और वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से पहले आप लोग मुझे बताइए काम कैसे होता था लोग अपने हाथों से काम करते थे यानी कि हमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत थी जब इंडस्ट्राइजेशन आया तो वो नई नई मशीनरी साथ में लेकर आया और नई नई मशीनरी आने की वजह से जो लोग हैं जो वर्कर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ सडनली कम हो गई क्योंकि अब तक जो लोग जो काम आदमी कर रहे थे अब उसे मशीन करने लगी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो बढ़ने लगा लोग बहुत ज़्यादा संख्या में बेरोजगार हो गई सेकेंडली उनको काफ़ी घंटों तक लगातार काम करना पड़ता था और जो स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स सेकेंड जो थिंग आई वो ये थी कि उनको बहुत ही लो वेजेस पे काम करना पड़ता था Uh, कई कई घंटे तक काम करना पड़ता था वर्किंग कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी उनको काफ़ी घंटे खड़ा रहकर रह काम करना पड़ता था और आप इस तस्वीर में जैसे कि देख पा रहे हैं जो वर्क प्लेस की कंडीशंस थी वो फेवरेबल नहीं थी और जैसे जैसे आ, ये खबर एक कंट्री साइड एरिया में पहुंची कि सिटीज़ बन रहे हैं नई नई फैक्ट्रीज़ लग रही हैं और वहां पर लोगों को काम दिया जा रहा है तो जो फार्मर्स या पीजेंस थे जो कंट्री साइड एरिया में काम करते थे उन्हें लगा कि एटलीस्ट एक सिक्योर जॉब होगी तो वो सब अट्रैक्ट हो गए सिटीज़ की तरफ जिससे जो सिटीज़ थे वो ओवर पॉपुलेटेड हो गई यानी छोटे छोटी जगह पर ही बहुत सारे लोग रहने लगे और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात कैसे कर सकते हैं यानी कि एक ओवर एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह को आप साफ सफाई कैसे रख पाएंगे वहाँ पर इज़ दैट नॉट नॉट पॉसिबल ना तो ऐसा ही वहाँ पर हुआ कि जब जो सिटीज़ थे वो ओवर पॉपुलेटेड हो गए तो हाइजीन और सैनिटेशन बिल्कुल ज़ीरो हो गया तो पहली बात वर्कर्स को वर्क प्लेस पर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है उसके बाद इवन आफ्टर वहाँ से आने के बाद जब वो अपने घर पर आ रहे हैं तो वहाँ पर भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है वहाँ हाइजीन नहीं है सैनिटेशन नहीं है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पर भी उल्टा असर पड़ रहा था तो इंडस्ट्राइजेशन पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी अपने साथ लेकर आया था ऑलमोस्ट ओल इंडस्ट्रीज़ वर इंडिविजुल प्रॉपर्टी जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो स्वयं में भी प्रॉपर्टी ऑनर और इम्प्लॉयर थे यानि कि उनके उनकी भी खुद की फैक्ट्रियाँ होती थी और वो भी दूसरे लोगों को अपने यहाँ पर काम पर रखते थे उन्होंने भी अपनी बहुत सारी वेल्थ ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स यानि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ को ही अपना व्यवसाय बना करके बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी की थी फिर भी उनको लगता था कि जो वर्क फोर्स है जो वर्कर्स हैं वो हेल्दी होने चाहिए और एजुकेटेड होने चाहिए ये लिबरल्स और रेडिकल्स के व्यूज़ हैं जो चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक हाइजीन और सैनिटेशन यानी एक साफ़ सफाई वाली जगह होनी चाहिए ताकि वो अपना हेल्दी रह सकें उनको खाना अच्छे से मिले और वो एजुकेटेड हों जब तक वो जब वो एजुकेटेड होंगे तभी हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी अपनी प्रोडक्शन में मिलेगा वो इंक्रीज हो पाएंगे सेकंड वो जो ओल्ड बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थी या ओल्ड एरिस्टोक्रेसी थी उसको ख़त्म करना चाहते थे एंड दे फॉर्मली बिलीव्ड इन द इंडिविजुअल एफर्ट वैल्यू लेबर इंटरप्राइजिस इफ इंडिविजुअल्स फ्रीडम वॉज इंश्योर्ड इफ़ द पुअर कुबर एंड दोष विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्टरेंट दे बिलीव दोसाइटी वुड डिवेलप उन्हें लगता था कि यदि हम जो इंडिविजुअल हैं उनके लिए कुछ वेल्यूएबल एफोर्ड करें जो आ, उनको फ्रीडम प्रोवाइड करें उनकी जो पुअर हैं उनको काम मिले और जो कैपिटल है वो फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रेंट ऑपरेट हो तभी जो सोसाइटी है वो डप डप हो पाएगी मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हू वॉन्टेड इन दर्ल्ड केम इन टू कॉन्टेक्ट अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी जितने भी वर्कर्स थे मैन वुमन जो वर्ल्ड के अंदर एक चेंज लाना चाहते थे वो लिबरल्स और रेडिकल्स के ग्रुप में शामिल हो गई और नाइनटीन सेंचुरी तक आते आते उन्होंने ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर ली थी और uh, कुछ ऐसे सम नेशनलिस्ट रेडिकल्स एंड लिबरल्स वांटेड रिवोल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड इन यूरोप इन एटीन फिफ्टीन फ्रांस इटली रशिया और कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरीज थे अब ये रिवोल्यूशनरीज क्या होते हैं पहले इसको जान लेते हैं रिवोल्यूशनरीज so, होते हैं वो सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं जिनका मेन एम होता है अपने नेशनलिज्म के आइडियाज़ को सपोर्ट स्प्रेड uh, करना मुनार की सिस्टम को ख़त्म करना लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मांगना ऑटोक्रेटिक रूल को ख़त्म करना चाहते थे एक नेशन स्टेट फॉर्म करना चाहते थे नेशन स्टेट यानी कि सेम लैंग्वेज सेम हिस्ट्री ट्रेडिशन वो सब शेयर करते हों तो उनको हम कहते थे रिवोल्यूशनरी और जसप मैजिनी जो हैं वो 1807 में जिनेवा में पैदा हुए थे जो कि एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे और इन्होंने दो ऐसी सोसाइटीज़ सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी इटली के अंदर मर्शल्स इन यंग इटली एंड बर्ने इन यंग यूरोप तो यंग यूरोप और यंग इटली जसप मैजिनी ने दो ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी तो ये तो थी बात रिवोल्यूशनरीज़ की क्योंकि 1815 तक यूरोप के अंदर जो चेंजेज़ आ गए थे रेवोल्यूशनरीज़ की वजह से आ, फ्रांस में इटली में जर्मनी में रशिया में अब जो हैं जो रेवोल्यूशनरीज थे वो वर्कर्स को के राइट्स को सपोर्ट कर रहे थे और ओवर थ्रो करना चाहते थे उखाड़ कर फेंक देना चाहते थे एग्जिस्टिंग मनार्की सिस्टम को यानी कि इन इन कंट्रीज़ के अंदर जो भी मनार्क थे जो एब्सल्यूट थे और डेस्पोट थे उनको ओवरथ्रो करना चाहते थे उखाड़ के फेंक देना चाहते थे और एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसके अंदर वर्कर्स को पावर मिले एम आई नाउ द मेन टॉपिक ऑफ द कमिंग ऑफ सोशलिज्म नाउ हम बात करेंगे सोशलिज्म पर सोशलिज्म होता क्या है पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ए सिस्टम ऑफ सोसाइटी ऑर ग्रुप लिविंग इन विच देयर इज नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी ए सिस्टम और कंडीशन ऑफ सोसाइटी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट सोशलिज्म क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है समाज के अंदर जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम का कोई भी आइडिया नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन जो है वो कुछ लोगों को ओन्ड या कंट्रोल्ड नहीं होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए अरे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ना जैसे आपके घर में खाना कौन बनाता है मम्मी तो ऐसा तो नहीं है ना कि मम्मी जो है वो आपकी फैमिली में फाइव मेंबर हैं और आपको वो केवल दो को खाना दे रही है बाकी तीन ऐसे ही बैठे हैं या उनको भरपेट खाना नहीं मिलता है अगर वो ऐसा करती हैं इट मीन्स वो कैपिटलिज्म है ठीक है और सोशलिज्म मीन्स जो खाना बन रहा है वो इक्वली सबको मिले तो जो खाना बना रहा है या जो खाना लेकर आ रहा है वो उसे खुद ही कंज्यूम ना करें वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो क्लियर यानी कि सोसाइटी के अंदर जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनसे उत्पादन हो रहा है उन साधनों को कुछ लोगों के हाथों में कंट्रोल करके ना रखा जाए वो सोसाइटी के सभी लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो एम आई क्लियर जो सोशलिस्ट थे सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सो इट वॉज द रूट ऑफ ऑल सोशल एवल्स ऑफ द टाइम उन्हें लगता था कि जो सोशलिस्ट है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं थे उन्हें लगता था कि सोसाइटी के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो सब इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण हैं उन्हें लगता था कि जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओन करके रखते हैं वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट करते हैं काम जो है वो वर्कर्स और लेबर्स करते हैं और प्रॉफिट किसको हो रहा है ओनर को तो वो एक तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं किसको? वर्कर्स को जो उसके अंदर काम कर रहा है जो उसके अंदर एम्प्लॉयड है ऑब्वियसली वो उसको एक्सप्लॉयड कर रहा है ऐसा सोचना था सोशलिस्ट का अब जो सोशलिस्ट हैं वो क्या चाहते थे वो चाहते थे कि जो ऑनरशिप है यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो स्वामित्व है जो ऑनरशिप है वो पब्लिक होनी चाहिए यानी सबके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो इग्नोरेंस को हटाना चाहते थे एलिमिनेट करना चाहते थे प्रॉपर्टी को लिमिट करना चाहते थे जो प्रिवलेज हैं जो स्पेशल राइट्स हैं उन्हें भी लिमिट करना चाहते थे वो चाहते थे कि जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए वो प्राइस कंट्रोल के लिए प्लानिंग करना चाहते थे जो डे बाय डे प्राइस इंक्रीज हो रहे थे उसे कंट्रोल करने के बारे में वो सोच रहे थे तो दिस इज़ दी आइडियालॉजी ऑफ सोशलिस्ट एंड हाउ कुड प्रॉपर्टीलेस सोसाइटी ऑपरेट जो प्रॉपर्टी लेस सोसाइटी है उसे कैसे ऑपरेट किया जाए एंड वट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी और जो सोशलिस्ट सोसाइटी हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसका बेस क्या होना चाहिए दीज आर द्वेश्चन्स जो उस समय लोगों के मन में आ रहे थे और ऑब्वियसली आप लोगों के मन में भी आ रहे होंगे देन द सोशलिस्ट जो हैं वो डिफरेंट विजन्स रखते थे फ्यूचर के लिए और जैसे रॉबर्ट ओवन है हु वॉज अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर शो टू बिल्डिंग कॉपरेटिव कम्युनिटी नेम न्यू हार्मनी इन इंडियाना जो रॉबर्ट ओवन हैं वो चाहते थे कि एक कॉपरेटिव सोसाइटी इस्टेबलिश करनी चाहिए यानी कि जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी का कोई लड़ाई ही ना हो और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए उन्होंने खुद भी यूएसए में न्यू हारमनी इंडियाना नामक जगह पर न्यू हारमनी नाम की एक कम्युनिटी सोसाइटी इस्टैब्लिश भी की थी जो लुइस ब्लैंक थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट टू इनक्रेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज जो लुइस ब्लैंक थे वो चाहते थे कि जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज हैं उनको रिप्लेस किया जाना चाहिए उनको हटा करके उनकी जगह पर जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको इनक्रेज करना चाहिए उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जो हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वज कैपिटलिस्ट एंड एक्सप्लॉयड वर्कर्स इनका ऐसा सोचना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है यानी पूंजीवाद है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है अपने पास रखना चाहती हैं और वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करती ये तो मैंने अभी आपको बताया कैसे एक्सप्लॉयट करती हैं और सोसाइटी जो है ऑल प्रॉपर्टी वुड बी स्पेशली कंट्रोल्ड तो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए ऐसा माना था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का इन्हें ऐसा लगता था कि जब तक जो वर्कर्स uh, हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं या जो प्रॉफिट है वो उनके साथ शेयर नहीं किया जाएगा तब तक जो वर्कर्स है उनकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी वर्कर्स हैड टू ओवर थ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मार्क्स बिलीव्ड दैट इफ वर्कर्स वांटेड टू फ्री देम फ्रॉम कैपिटल एक्सप्लेटेशन दे हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज स्पेशली कंट्रोल्ड एंड दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी यहाँ से कम्युनिस्ट सोसाइटी का आइडिया डेवेलप होता है यानी कि यदि वर्कर्स चाहते हैं कि उनको कैपिटलिस्ट एक्सप्लाइटेशन से बचाया जाए तो उन्हें सबसे पहले उस प्राइवेट प्रॉपर्टी या उस कैपिटलिज्म को ख़त्म करना होगा और जितने भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं उनको कंट्रोल करना होगा और ये सब किसकी वजह से होगा कम्युनिस्ट सोसाइटी के कारण ही he was कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड गेट सक्सेस इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर उन्होंने वर्कर्स को ये यकीन दिलाया कि आपके जो भी लड़ाई झगड़े हैं जो भी कॉन्फ्लिक्ट कैपिटलिस्ट के साथ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ये सब कौन करेगा कम्युनिस्ट सोसाइटी अब बात आती है कि सपोर्ट फॉर सोशलिज्म सोशलिज्म को कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे by 1870s socialist ideas spread through the whole europe 1870s tak aate aate jo socialist jam ka jo idea tha wo pure europe mein phail gaya tha an international body the second international एक uh, international body जिसे Second International कहा गया था वो socialist के साथ uh, efforts को coordinate कर रही थी एंड इंग्लैंड एंड जर्मनी फॉर्म एसोशिएशन्स टू स्ट्रगल फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस तो जो इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर्स uh, थे उन्होंने एसोशिएशन फॉर्म करना शुरू कर दिया अपनी स्ट्रगल्स एक बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन के लिए कि वर्किंग कंडीशन बेटर होनी चाहिए उनका लाइफ बेहतर होना चाहिए इसके लिए उन्होंने इन सोसाइटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए जो स्ट्रगल थी वो स्टार्ट कर दी थी जर्मनी के अंदर भी वर्कर्स क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी में भी एक ऐसी ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी जिसका मेन मकसद यही था कि वर्कर्स को कैसे एक्सप्लाइटेशन सेव किया जाए ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी ट्रेड यूनियंस एंड सोशलिस्ट इन नाइनटीन बनी फ्रांस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी बनी 1905 में ही और टिल 1940 नेवर गॉट चांस इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप ये जो सोसाइटीज़ थी ये जो पार्टीज थी ये बन रही थी लेकिन 1914 तक इन्हें चांस नहीं मिला कि ये अपनी गवर्नमेंट यूरोप के अंदर फॉर्म करें और जो पॉलिटिकल पावर है उसको भी कंट्रोल कर लें आई क्लियर स्टूडेंट्स एंड दैट्स ऑल फॉर आर टूडेज वीडियो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ यू शेयर विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल इसके बाद हम रशियन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे दिस इज ऑल अबाउट द सोशलिज्म सोशलिज्म का आइडिया आपने पीछे क्या पढ़ा कहाँ से थोड़े थोड़े आइडियाज़ मिले कैसे वो डिस्कस किए जाने लगे लोगों के अंदर में क्या क्या फीलिंग्स थी जब इंडस्ट्राइजेशन आया तो लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ उसे पॉजिटिव लिया नेगेटिव लिया सोशलिज्म क्या था और लोग उसको क्या सोचते थे तो ये सब हमने डिस्कस किया है इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन कॉन्टैक्ट मी यू कैन कमेंट मी शेयर विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल हैव अ गुड डे